आज का हमारा सबसे पहला एजेंडा तदेदिल, जिसे पश्तों में मलख कहते हैं, अंग्रेजी में इसे लुकस्ट कहते हैं। जनाब स्पीकर, अगर आपको याद हो, नवंबर के महीने में यहां पर हमने पूरी तफसील के साथ तदेदिल पे हमने बहस की थी। और जनाब स्पीकर, उस वक्त हमें खदशा यह था कि यह तदेदिल, जब उस वक्त कोरोना का वबा शायद चाइना में उसकी पहला केस भी शायद नहीं हुआ था या हुआ था, हमने इस मसले पे असेंबली के फ्लोर पर उठाया और हम जिस बात का हम खदशा जाहिर कर रहे थे, चूंकि माहिरीन ने, जो एग्रीकल्चर के माहिरीन हैं, उनके मुताबिक या इस तदेदिल के अफजाइश से मुतालिक जो बात की जाती है कि ये 2-3 माह में ये इनकी तादाद हजारों से लाखों और लाखों में करोड़ों तक पहुंच जाती है, इसलिए कि जनाब स्पीकर, एक तदेदिल 2-3 माह में वो 80 बच्चे पैदा करते हैं। और जनाब स्पीकर, और जब हमने उस वक्त आवाज उठाई कि हुकूमत वक्त इस मसले को संजीदा ले और इसको तलब करने के लिए इकदाम उठाए, लेकिन आप यकीन करें जनाब स्पीकर, इस पहले रो में बैठे हुए लोग जो हमेशा अपोजिशन का वो मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने उस वक्त भी हमारा मजाक उड़ाया और कहा कि जिस तरह कोरोना में जब हम अपोजिशन ने यहां 24 फरवरी को, 21 फरवरी को हमने तहरीक इल्तवा जमा कराई, 24 फरवरी को यहां बहस हुई, ये लोग उस वक्त सिब्बी मेले में और कार और जीप रैली में मसरूफ थे जनाब स्पीकर। इसी तरह जनाब स्पीकर, जब हमने तदेदिल के हवाले से यहां बात की, हमने तफसील के साथ बात की, उन्होंने उस वक्त भी अपोजिशन का मजाक उड़ाया। और जनाब स्पीकर, फिर इस दौरान जब अब कोई 8 महीने के बाद भी जब पूरी तरह तबाही मचा दी गई है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, हमारी जो ज़रात है जिसमें बिलखसूस हमारे फल के बागात है, वो 50 से 60% तक वो खत्म हो गई, अभी तक हुकूमत को होश के नाखून अभी तक नहीं आए, वो अभी तक समझ रही है हुकूमत कि हमने, अवाम ने कोई नुकसान नहीं उठाया, इसलिए कि हुकूमत ख्वाब खरगोश में सोई हुई है जनाब स्पीकर। जिस तरह जनाब स्पीकर अब देखें, एक एक बात पर जिस मिठास के साथ जहर दी जा रही है जनाब स्पीकर, और जिस तरह वफाक ने जनाब स्पीकर, अब आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा इशू इस वक्त जिस तरह हमारा यहां पे हमारे वसाइल को लूटा जा रहा है, इसी तरह जनाब स्पीकर आपने देखा कि एनएफसी अवार्ड जैसे अहम कॉन्स्टिट्यूशन के 1603 अलिफ को, जो सूबों को प्रोटेक्ट करता है कि आपका हिस्सा एनएफसी अवार्ड में माजी से कम नहीं होगा, जनाब स्पीकर 160 अलिफ ए इस बात की जमानत दे रहा है। आज आप देख रहे हो जनाब स्पीकर कि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल को खत्म करने के दर पे। जनाब स्पीकर, हमने हुकूमत को कहा कि अगर ये आर्टिकल खत्म हुआ, फिर आपके पास आपका जो हिस्सा है 9.9%, वो अगर कम हुआ 6% तक आ गया, आपको तनख्वाह बनाने के पास
उसके लिए आपके पास रकम नहीं होगी। अब भी जनाब स्पीकर सही सूरत हाल ये मिनिस्टर साहब तशरीफ फरमाए, ये हमें यहां सच बताए कि आपने 88 अरब रुपए का डिफिसिट बजट पेश किया, खसारे का बजट आपने पेश किया। अगर सही तौर पे लिया जाए जनाब स्पीकर, बजट मैनुअल के मुताबिक ये आपका बजट बिल्कुल गैर कानूनी है। इतना खसारा तो हो नहीं सकता जनाब स्पीकर। मैं आ रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं टू द पॉइंट आ रहा हूं। मेरे कहने का मतलब जनाब स्पीकर ये है कि जिस तरह हमारा लूटमार जारी है, हमारे लोग तबाही और दाने उसके तबाही की तरफ जा रहे, इसी तरीदल ने हमारी तबाही यहां पे मचा दी है। आप देखे जनाब स्पीकर, जी वेलकम चेयरमैन साहब, जनाब चेयरमैन साहब, आज इस स्टडी दिल ने हमारी जरात को तबाह किया। आज इस स्टडी दिल ने जो हमारे जमींदार पहले से तबाह हाल थे, और जो अगला एजेंडा है एटम है बिजली, उसकी जो बिजली की सूरत हाल है, जिस तरह हमें यह पड़पाड़ा दिया गया है, इस सूरतयाल की वजह से पहले ही से हमारे जमींदार तबाह थे। इस हकूमत ने क्या किया है जनाब स्पीकर, कोरोना पे हकूमत ने क्या किया जनाब स्पीकर? कोई वो इकदाम हमारे अवाम के तहफ्फुज के लिए इस हकूमत ने एक भी कदम नहीं उठाया है। जब आपने कोरोना पे हकूमत कह रही है कि इतना हमारे 200 के करीब यहां लोगों की मौत हुई है, सरासर गलत बयानी है। यहां सैकड़ों, मैंने खुद अपने हल्के में क्विटा शहर में, मैंने ऐसे घरानों में मैं गया हूं जहां सैकड़ों घरानों में मैं गया हूं जहां लोग कोरोना के बायस मर गए। हकूमत ने भी वहां गफलत का मुजाहरा किया, आज इस तदी दिल ने भी जिस तरह यहां पर तबाही और बर्बादी आ गई, हमें बताया जाए क्या इकदाम किए हैं इसके लिए, तलब करने के लिए किस बर वक्त इकदाम को उठाया गया, स्प्रे किया गया, जहाजों के किया गया, ट्रैक्टर के जरिए किया गया, मशीनरी कहां है? पहले यह प्रोजेक्ट दिया गया था जनाब चेयरमैन साहब पीडीएमए को दिया गया कि पीडीएमए डील करेगी टडी दिल के को तलब करने के लिए, लेकिन जब पीडीएमए ने काम किया उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने जो है ना कहा कि ये काम हमारी बस की बात नहीं है, जो कुछ उन्होंने कहना था वो तो कह लिया, अब इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले किया गया। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 8 महीने में क्या किया है जनाब स्पीकर, आज इस हाउस को बताया जाए कितना इमदाद आया, कितने 100 मिलियन डॉलर का इम्तियाज आया, और इस इमदाद को कहां कहां तक पहुंचाया गया। और अब जनाब स्पीकर हमारे जमींदारों को जो नुकसान हुए जमींदारों का, उसको क्या मुआवजा दे रही है जनाब स्पीकर, ये हमें बताया जाए। जनाब स्पीकर मैं समझता हूं कि बिजली का बहरान जनाब स्पीकर रोज यहां पर हमें बताया जा रहा है कि कोई 1800 मेगावाट बिजली की हमें जरूरत है, लेकिन हमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 900 मेगावाट बिजली। जनाब स्पीकर आप क्विटा शहर के, मैं इस क्विटा शहर में रहा हूं, आप यकीन करें कि इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है, और आप इंटायर द प्रोविंस जाएंगे वहां कितने घंटों की लोड शेडिंग है। जनाब स्पीकर अभी हमारे स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासों, वो इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि जब बिजली है नहीं, जब स्टूडेंट इस हद तक कि वो अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकते, इस हद तक के बहुत सारे इलाकों में वहां ऑनलाइन नेटवर्क है नहीं जनाब स्पीकर, फिर जब आपके पास बिजली नहीं है, जब आपके पास नेट का काम नहीं है, तो कैसा हमारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासे लेंगे जनाब स्पीकर। इसी तरह ये जो अभी तक हमें जो बताया जा रहा है जनाब स्पीकर, हम गए इस वक्त आपका सूबा 44 अरब रुपए कर्जदार है केस्को का। सिर्फ जनाब स्पीकर मैं वासा की बात करूंगा, वासा डिपार्टमेंट जो कर्जदार है केस्को का,
कोई एक अरब रुपए वो कर्जदार है। इस वक्त आपके अक्सरियत ट्यूबवेल डिस्कनेक्ट है, बिजली उनको नहीं दी जा रही है। वाडा वाले किसको वाले कह रहे हैं कि यहां पर हमें पेमेंट नहीं की जा रही है, इसलिए हमने आपके ट्यूबवेल को डिस्कनेक्ट किया है। जनाब स्पीकर, इसी तरह हमें जो हकूमत ने जो सब्सिडी देनी थी बिजली के ऊपर, वो सब्सिडी कितने सालों से हकूमत अदा नहीं कर रही। आप बैठे, आप किसको के साथ अपने मामला तय करें, आप वफाकी वजारत तवानाई बिजली व एनर्जी से आप मामला तय करें कि क्या मसला है, कि आपने जिम्मेदारी भी ली है कि हमने सब्सिडी देनी है। अभी आप सब्सिडी भी नहीं दे रहे हो और जमींदारों की बिजली की यह हालत है जनाब स्पीकर कि जब खास पीक सीजन होता है एग्रीकल्चर का, बागात का, मई में, जून में, जुलाई में, अभी जुलाई का महीना है, इस वक्त आप जाकर पशीन में या कलात में या किले सैफुल्ला में या फिर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में, वहां कितनी बिजली दी जा रही है 24 घंटों में जनाब स्पीकर? महज 6 घंटे या 4 घंटे इंटायर द प्रोविंस उनको बिजली दी जाती है। तो ये बिजली ये नाकाफी है जनाब स्पीकर। ये तो सिर्फ घरों में इस्तेमाल होने वाली जो मशीनरी है, जो बाकी चीजें, उसके लिए नाकाफी है। फिर चिजाए के जनाब स्पीकर कि आप उस पर जरी ट्यूबवेल चलाए, आप जो है ना शहर में आप ट्यूबवेल चलाए। जनाब स्पीकर, बास जगहों में इस तरह है कि केसको एक इलाका है, उसमें आपका जरी कनेक्शन और आपका जो घरेलू सार्फिन के कनेक्शन है उसको मिक्स किया जाता है, और उसके बदले जो जरी कनेक्शन को बिजली नहीं दी जाती है उसके साथ घरेलू जो सार्फिन है वो भी मुतासर है। और जनाब स्पीकर, आप यकीन करें कि हमारे 2018-19 के अभी तक उसकी मात पाए तकमील तक नहीं पहुंच सके। मैं कहता हूं जनाब स्पीकर कि आप रूलिंग दे दे, हकूमत को आप रूलिंग दे दे, सूबाई हकूमत को आप रूलिंग दे दे कि वो बैठ जाए किसको के साथ अपने मामला तय करे। आवाम को बिजली चाहिए। और जनाब स्पीकर, बिजली के लाइनों का तो आपको पता है कितने लॉसेज होती है। आपके पास जब बिजली पहुंचती है वो किस तरह की बिजली पहुंचती है? और आज जनाब स्पीकर हमारे पास कोई आपका नेशनल 500 वो जो मेगावाट बिजली है उसके लिए हमारे पास कोई नेशनल ग्रेड नहीं है। और मैं कहता हूं कि जनाब स्पीकर, इस हवाले से आप अपने गुड ऑफिस से केसको के हुकाम को, न सिर्फ केसको के हुकाम को बल्कि इस्लामाबाद से जनाब स्पीकर आप बुलाएं, आप वजारत जो एनर्जी है, जो वजारत पानी और बिजली है, उनके सेक्रेटरी को आप यहां बुलाएं और उनके जरिए जो मामलात है हम बैठ करके, जनाब हुकूमत आएगी उनके साथ बैठ करके कम से कम ये बिजली के जो मामलात है वो तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नसरा जेरे साहब।